भाई अभी हम लिविंग फॉर दी वाटरफॉल विच इज़ डाउन देयर, और हमारे साथ हैं मिस्टर गौतम फ्रॉम केरला। तो भी लोग मना कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं मत जाओ, बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्लिपरी रोड्स हैं। लेट्स सी हाउ इट इज। It better be one way. Mud. वाटरफॉल का नेम तो नहीं पता मुझे, खाली एक लोकल के बोलने में जा रहा हूँ कि वहाँ अच्छा वाटरफॉल है। ओह ये हाँ सो के मैन इट्स नॉट दैट बैड येट। तो भाई अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप हो चुके हैं, वहाँ पे तो रोड ही नहीं है, घास वास हो गई भी है। तो कम ब्रो, तो गौतम बोल रहा है कि नीचे नहीं जाते हैं, और तो मैंने उसे बोला बाइक यहीं पे खड़ी कर देते हैं, तो मेरे पीछे बैठ जा, तो अब गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, गिरा के तो मैं इसको भी रहूँ। ब्रो Is it okay na if you if we fall? If we fall? Why? It's okay bro, sit. That is not the place bro. It should it is going more down. No, the auntie told that it's like from here. No, it's, he said 5 kilometers bro. 5 kilometers? Yeah, just sit okay. You sat? Just don't sit in the in one ways, okay? Just sit in the middle. I think it should go this way. I can see a jeep, na? Okay, we'll go down then there, okay? It's okay, bro. What? तो भाई बाइक हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया, नीचे थोड़ा ही नीचे आया अपन, और अब भाई बोल रहे हैं कि दो वेज आ चुके हैं, तो लेट अस चेक फर्स्ट। आई कैन हियर द वाटर ब्रो। ब्रो ही नोज द लोकल लैंग्वेज, दैट्स एन एडवांटेज फॉर मी, समझ रहे हो? ओह इट इज देयर ब्रो, आई कैन सी इट। Bro, that is good. Oh, bro, it is good. I'll keep. लो यही होना बाकी रह गया ना बस अब। कपल इज ए कपल, सब जगह पहुंच जाते हैं क्या भाई, हद है। तो भाई वी हैड अ टाइम हियर, इट्स फकिंग ह्यूज वाटरफॉल ब्रो।
एंड लोकल्स वॉन्ट दैट डोंट गो इनटू द वाटर बिकॉज ऊबड़ खाबड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है अंदर, है जाने के लिए बट ऊबड़ खाबड़ पत्थर लग सकते हैं बोलते हैं, ऐसे बोला। बट हम बात लेने तो नहीं आए थे इधर, बाय द वे हम तो देखने आए थे बस। कैमरा टिड्डा हो जाता है बार बार ही। और भाई इधर ना लीचीज है, खून पीने वाली जानवर है इधर। लीचीज क्या बोलते हैं उन्हें जो खून पीते हैं, ऐसे लग जाते हैं शरीर से, स्टिक हो जाते हैं। भाई को लगे एक दो, ब्रो केयरफुल अबाउट लीचीज, ओके वील गो टू द होस्टल एंड चेक फर्स्ट लीचीज। या नो लीचीज प्लीज, हमारे पैर ही खून कम है। भाई को ऊपर तक उठा के लेके आया भाई, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई में, और इट वॉज लाइक रुकी नहीं बाइक, शूट करना चाहिए था मुझे वो। What happened? So good man, it was good. Oh bro, that was good na? Good morning from Munnar. So bhai, this is there is a trek, it's not a trek but it's a place called Konuku Malai, and you have to leave early for that sunrise. So we're leaving early. I've met a bunch of people but they'll be joining me. तो काफ़ी बंदे हैं, 14 या 15 बंदे, दो जीप जा रही है। तो शेयरिंग जीप है, बाइक नहीं अलाउड है उधर, बाइक जा सकती है बट नहीं अलाउड है, बट स्टिल आई एम गोइंग, लेट्स सी हाउ इट इज। ओके ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, यू जस्ट सी हाउ द सनसेट विल बी। I think that we got blinded, 'cause when it's good it's great, so we can't see we're fading away. So it's hopeless that we stay close. तो भाई अब ठीक है? हाँ, अब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? ठीक है? This is David and this is Jyotsna. By the way, पहले वाला डालूँगा मैं। तो भाई ऐसा कुछ सीन है यहाँ का सनराइज का, तो हम सबसे पहले आ गए थे यहाँ पे, एंड द मॉर्निंग द व्यू वाज गुड, इट वाज लिटरली डार्क एंड ऑरेंज एट द सेम टाइम। तो अभी वी आर विद सम पीपल फ्रॉम हॉस्टल ओनली, बट आज का प्लान खाली यही है मेरा, इससे ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला हूँ, मोस्टली आज रेस्ट ही करूँगा। आई थिंक मैं चाकर मुड़ी जाने वाला हूँ, बट लेट्स सी, आई हैव नॉट प्लान्ड इट येट। तो भाई एक तो नींद पूरा नहीं हुआ मेरा, आई वॉज लिटरली स्लीपिंग ऑन द ऑफ रोड, और द जीप वॉज लाइक दिस, बहुत ज़्यादा भाई ऑफ रोड है लिटरली। बाइक भी मतलब एक बार ही सोचे कि क्या ऑफ रोड करूँगा या नहीं करूँगा। ब्रो हाउ वॉज इट? इट्स गुड बट नॉट दैट बिग, नॉट दैट बिग ना, बिग इट विल बी नाइस, बट इज इट वर्थ इट गोइंग बैक डाउन देयर एंड कमिंग अप? बट इट्स लाइक क्राउडेड ओनली, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो भाई तो अभी भाई हम वापस जा रहे हैं, और ऑफ रोड तुम देख लो भाई कैसी है ये, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। लेट्स गो। भाई ये सीन हो रहा है मुन्नार का अभी,
और शाम के 4:30 बज रहे, ऑलमोस्ट 4 घंटे सोया भाई मैं, सुबह सो गया था आके ब्रेकफास्ट करके, फिर अभी निकल रहा हूँ मैं बाहर। और उठ के मैंने ये देखा भाई, भाई क्लाउड बेड देखने का सबसे बढ़िया टाइम होता है बारिश के बाद, और भाई बारिश आ गई। मेरा आज का प्लान यही था, थोड़ा क्लाउड बेड देख लूँ मैं, बिकॉज कल हूँ या नहीं हूँ मैं इधर वो अभी तक कंफर्म नहीं, बिकॉज ये हॉस्टल फुल पड़ा है अभी और इनके पास एक भी बेड खाली नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं, बट कल देख रहे, कल की कल देखेंगे। तो व्लॉगिंग तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज देख रहे हो सीन क्या हो रहा है। तो भाई दीज आर द टाइप ऑफ ट्रायल्स वी आर राइडिंग फ्रॉम लास्ट 2 किलोमीटर्स। जो गूगल पे लोकेशन है चक्रमणि पीक का, वो तो हमने 2-4 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, एंड वी आर गोइंग अप एंड अप, एंड इट्स नो गुड, सो इट्स नॉट गुड टू गो अप नाउ बिकॉज अंधेरा होने वाला है, और हम ऐसा ऑफ रोड में फंसना नहीं चाहता, बिकॉज अभी मैं 2 बारी गिर भी गया, खाली एक क्रैश कार्ड पे लगा थोड़ा, एक अचानक से पेड़ बीच में आ गया यार। तो वी आर हेडिंग बैक बिकॉज ऑलरेडी 25 किलोमीटर आ गए हैं मुन्नार से, और अंधेरा होने वाला है, तो वी जस्ट टेक अ रेस्ट 5 मिनट्स हियर एंड देन वी हेड बैक।